आजकल एक और बड़ी बेहिस्सी, मुझे इस पर ये याद आ गया, कोई भाई फंस जाए ना, नुकसान हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, फिर वो अपना घर बेचने पे आता है या प्लॉट बेचने पे आता है या दुकान बेचने पे आता है, तो रुपए की चीज़ चार आने की कीमत लगाता है। और मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर कहने लगा कि जी मुझे फलां बड़े ताजर का फ़ोन आया कि कोई मुर्गा फंसा नहीं। मैंने कहा क्या मतलब मुर्गा फंसा नहीं? कहा कि कोई ऐसा आदमी जो मजबूर हो गया हो जायदाद बेचने पर और उसको नुकसान हो चुका हो, तो कोई ऐसा है तो बताओ ताकि हम थोड़े पैसों पे ख़रीद लें। तो करीब से सुबह की सैर कर रहे थे, एक घर के करीब से गुजर गए, जैसे ये घर वाला है, इसका घर 24 करोड़ का है, 6 कनाल है और इसकी कीमत लग रही है मैक्सिमम 18 करोड़, चूँकि ये फंसा हुआ है, ये घर बेच के कर्ज़े देना चाहता है और सबको पता है ये बेचे बगैर रह नहीं सकता, तो 24 करोड़ की चीज़ 18 करोड़ उसका लगा रहे हैं और उसको मुर्गा कह रहे हैं, कोई मुर्गा फंसा तो नहीं? मैंने कहा अगर मैं होता तो मैं 24 करोड़ के 30 करोड़ देती, ये 24 करोड़ से अपने कर्जे उतारे और ऊपर वाले 6 करोड़ से अपना कारोबार करे। मुसलमान सखी होता है, जुल्म सितम की इंतहा है कि ऐसे बेरहम हैं पैसे के मामले में, ऐसे बेरहम हैं। और अच्छे अच्छे दाढ़ियों वाले नमाजी परहेजगार मेहराब माथे पर, लेकिन पैसे का नाम आते ही वो ऐसे संग दिल हो जाते हैं जैसे उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर का कोई टुकड़ा, कोई धड़कने वाला दिल नहीं है बल्कि एक खटकने वाला पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है।